शुरू तो है बनारिये स्कूल ने पढ़ला मिशन स्कूल ने तकर वहाँ से हजारीबाग बहुत गरीबी ने जिन तो बहुत झेलक पड़ल हम इनके सब कुछ कर ली जिन माड़ो भात खाए पड़ल सागो भात दालो भात मिठो तीन सब कुछ करे पड़ल जिन हाथ तो इतना बड़का बन गल कह के बहुत खुश से बेसे लागल झारखंड की बेटी अष्टम उराव आज राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि फुटबॉल टीम की कप्तान बन चुकी है, जिससे देश में झारखंड का मान एक बार फिर से ऊंचा हो गया। लेकिन उसके यहां तक पहुंचने के पीछे बहुत सारी संघर्ष की कहानी है, जो आज उनके माता पिता ने जीएन भारत से साझा किया। जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जब अष्टम के घर पहुंचे तो उनकी दादी आज भी जमीन पर बैठकर मार भात खा रही थी। झारखंड के सुदूर नक्सलग्रस्त गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर ब्लॉक के बनारी पंचायत से 2 किलोमीटर दूर गोरा टोली गांव की रहने वाली अष्टम उराव के घर पहुंच उनकी माताजी से जी इन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा ने नागपुरी भाषा में बातचीत की तो बड़ी सरलता से अष्टम की मां ने अष्टम के संघर्ष की कहानी बयान किया। तो आइए आप भी सुनिए अष्टम के संघर्ष के पीछे की उसकी दर्द भरी संघर्ष की कहानी। अष्टम उराव फुटबॉल टीम भारत कर कप्तान हके इतना बढ़िया जगह में पहुंच गया पूरे विश्व में नाम होते लड़के कैसन लागत है? बहुत अच्छा और कोई और बढ़ सके छुआमन गांव कर अगल बगल कर छुआमन सब और आगे बढ़ जाए अष्टम उराव लखे तो बहुत अच्छा। और तो बहुत गरीबी में पढ़ा ली हुई बच्चा के बहुत गरीबी ने तो बहुत झेलक पड़ल हम इनके मजदूरी करके के पढ़ना पच पच गो छुआ के पढ़ाना। अच्छा अष्टम कर जो पढ़ाई लिखाई होलक तो पैसा वैसे कहाँ से आवत रहे और बच्चा मन के जो पढ़ाई उढ़ाई होकर बाहर जाते रहे बाहर परदेश जाते रहे बेंगलोर कमाए कमाए भेजते रहे तो देवत रही पैसा मन मेंटेन करते रही छुआ पुताले सबको ले। अच्छा ये मैया जो है विश्व स्तर पर नाम कमालक और उकर नाम से ही रोड बना थे तो जानकारी मिलल कि रोड में रो रहे मजदूरी कर काम करत थी या उकर बाबा जो है के मजदूरी कर काम करत थे तो सही बात है क्या? हाँ सही है कमाली हम तभी नहीं हाजिरी बनल को दिलाए तब बिना कमाल करता है कर हाजिरी नहीं बनत। अच्छा कमाली तब हाजिरी कितना मिलत रहे पैसे? 250 लेकिन अखन आए के अथी मन कर लें बात तो मिलल पैसा दिल हाँ 300 पैसा मिल गया 300 करके। हाँ अच्छा ये बताओ कि जिला प्रशासन से क्या कहे चाहिए लरो रे और भी घर दूरा में परेशानी है घर नहीं है बढ़िया या कोई बोले चाहिए जिला प्रशासन से? तो घर तो हन के चाहिए जरूरी है घर में तो आप नहीं रह सकी ला हम। अच्छा ये सही बात है कि माड़ भात खिया करो अपन बच्चा के आगे बढ़ा ली तो सब कुछ कर ली जिन माड़ो भात खाए पड़ल सागो भात दालो भात मिठो तीन सब कुछ करे पड़ल जिन काफी परेशानी में रोरे बच्चा उनके आगे बढ़ाते आगे बढ़ाती पच पच को छुआ के पढ़ाई के में तो काफी लागत रहे। और बच्चा मन क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई कर कैसन पढ़ाते? सब कुछ छुआ मन सब तेज तरवाइल है छुआ मन 2-3 गो खिलाड़ी है छुआ मन और ऊपर से छोटकी मैया भी है खिलाड़ी। अष्टम जो है पढ़ाई कहाँ हो लग प्राथमिक विद्यालय फिर मध्य विद्यालय हाई स्कूल? हाँ शुरू तो है बनारिये स्कूल ने पढ़ल मिशन स्कूल ने तक वहाँ से हजारीबाग जाए के पढ़ना लिखना है। फिर कैसे कैसे कर चयन होलक? हमें तो उतना जान नहीं सकते खाली उनके पैसा देवत रही हमें मन मेहनत करते रहे छुआ मन अपन। अच्छा रोरे उकर चुके माता पिता है कि रोर मन माता है कि तो रोरे ये बताओ कि जब जानकारी मिलक रोर के कि अष्टम भारतीय टीम कर कप्तान बन गया तो रोर के कैसन महसूस हो? बहुत खुश खुश से तो बहुत यही नहीं पार कर पढ़ाती तो इतना बड़का बन गया कह के बहुत खुश से वैसे लागल। संदेश देवे चाहिए कि और भी माता पिता अपन बच्चा के पढ़ाएं अच्छा करें? हाँ सब पढ़ाए लिखाए छुआ पुता के और हमने लखे गरीब स्थिति से गिन और आगे बढ़ाए अष्टम लखे बढ़े और रोशन करे गाँव के देश के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह घर जो है मिट्टी का बना हुआ घर है, यहाँ पर अष्टम को मिला हुआ सारा चीज़ देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे इधर ज़रा कैमरा को दिखाएं और एकदम गरीबी से निकली हुई बच्ची छोटा सा देखिए घर है दरवाज़ा है लकड़ी का और इधर दिखाएंगे ये देखिए पाट घर हम लोग बोलते हैं गांव में इसको
इस तरह के बहुत सामान्य जीवन जीने वाली बच्ची जो है एकदम गरीबी में पली बढ़ी, मिट्टी का घर है और देखिए विजुअल के माध्यम से ज़रा दिखाएंगे उधर, एकदम गांव की बच्ची जो है, कोई तामझाम नहीं है, कोई आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बच्ची, लेकिन पढ़ाई में इतनी था इसको, इतना जज्बा था कि खेल में कुछ ना कुछ हम करेंगे। हमेशा अपने माता पिता से बोलती थी कि हम आगे चल के खेल में नाम रोशन करेंगे। तो एकदम गरीबी में पली बढ़ी, इनकी माता जी बगल में बैठी हुए हैं, सीधी साधी, परंतु पढ़ाई के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति कभी कोई भी कमी नहीं की। महुआ बेचकर, महुआ चुनकर और माड़ भात खिलाकर अपनी बच्ची को आज राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही है। हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि ज़रा बाहर दिखाएंगे, उनके घर के बाहर में। कल जैसे ही अष्टम आई थी और उनको पूरे गांव के लोग नहीं, पूरे ब्लॉक, पूरे प्रखंड के लोग, पूरे जिला से लोग आए थे, फूल माला से लाद दिए, स्वागत करके उनको यहाँ तक लाया गया और आज उनका स्वागत समारोह है बनारी के मिशन स्कूल में। देखिए अष्टम का जो एक घर है, एक गुहार घर बोलते हैं, एकदम सामान्य सा घर है, खपड़ा का घर है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और इतनी अभाव में जीकर, इतनी अभाव में रहकर माड़ भात खा के यह बच्ची आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। यह गांव के लिए नहीं पूरे भारत के लिए गौरव की बात है और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने इनको बुलाकर काफ़ी प्रोत्साहन किया, काफ़ी उत्साह बढ़ाया और कहा बेटा तुम आगे और अच्छा करोगी, इसमें और बेहतर करके दिखाना है, पूरे इंडिया का नाम रोशन करना है। ज़रा विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे इनके घर के बाहर का। देखिए घर के गुहार है जहाँ गाय रखा जाता है, ये अष्टम के घर का गुहार घर है, गुहार बोलते हैं हम लोग जहाँ गाय को रखा जाता है, ये गुहार घर है और सामान्य सा इधर मवेशी रखा जाता है, बकरी उकरी रखा जाता है, कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं अष्टम के घर के बाहर में और बिल्कुल गरीबी में पल बढ़कर यह लड़की आज पूरे देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।